हेलो बच्चों लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट इन दी ओवरहेड व्यू ऑफ फिगर अ 300 ग्राम बॉल विद अ स्पीड वी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इट स्ट्राइक्स अ वॉल एट एन एंगल ऑफ थीटा ऑफ 30 डिग्री एंड देन रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड एंड एंगल सो यहां पर फिगर में आप देख सकते हैं ठीक है एक बॉल जिसका मास थ्री हंड्रेड ग्राम की है वो इस वॉल से टकराता है एट एन एंगल ऑफ टीटा विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ़ वी वेक्टर से और फिर रीबाउंस कर जाता है विद द सेम एंगल ऑफ टीटा एंड वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर से ठीक है ना सो इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल फॉर टेन मिली सेकेंड ये वॉल के साथ टेन मिली सेकेंड तक के कॉन्टैक्ट में रहता है सो इन यूनिट वेक्टर नोटेशन

and that is nothing but is equals to the mass into change in velocity जो कि basically change in momentum ही होता है ना right so बस इसी concept का हमें यहाँ पर use करना है तो देखिए यदि मैं यहाँ पर resolve करूँ velocities को so velocities के दो component हो जाएंगे एक हो जाएगा horizontal तो दूसरा हो जाएगा vertical component और ये इसके respect में angle theta ही बना रहा होगा तो देखिए ये वाला जो component है वो बेसिकली क्या हो जाएगा सिंपली वी कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा सो so, ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा वी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा बट जैसे कि नेगेटिव ऑफ जे डायरेक्शन में जा रहा है सो इसीलिए माइनस में होगा और ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है सो so ये प्लस होगा उस तरीके से यहाँ पर देखो सो so इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे एक हॉरिजेंटल तो एक वर्टिकल अब वर्टिकल क्या होगा सो पॉजिटिव ऑफ वी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा ठीक है और ये हो जाएगा v cos ऑफ theta अब डायरेक्शंस के साथ लिखूँ सो ये i कैप के डायरेक्शन में होगा और ये माइनस ऑफ j कैप के डायरेक्शन में होगा ये प्लस ऑफ j कैप के डायरेक्शन में होगा और ये प्लस uh, ऑफ i कैप के डायरेक्शन में होगा इतना क्लियर हो गया सो देखिए ये लिखने का मेरा तात्पर्य क्या है सो देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल थी

ओके इंपल्स दैट इज चेंज इन मोमेंटम सो यहाँ से हम बोलेंगे कि जे वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर राइट वेक्टर क्वांटिटी लेंगे सो दैट विल बी इक्वल्स टू ना मास कितना गिवन है 300 ग्राम केजी में करेंगे तो 0.3 हो जाएगा ना मल्टीप्लाई नाउ फाइनल कितनी है सो so, फाइनल है वी सो so, हम डायरेक्टली मान यहाँ पर ओके okay, पहले सब्सिट्यूट कर देते हैं वी कॉस ऑफ थर्टी आई कैप फाइनल वाली लिख रहे हैं ठीक है ना सो प्लस वी साइन ऑफ थर्टी जे कैप ठीक है और इसके साथ सब्सट्रैक्शन में ठीक है वी आई कैप सो वो कितनी है so, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं सो so, ये हो जाएगा Uh, v cos of 30 i cap minus of v sin of 30 j cap ठीक है सो so, देखिए जब माइनस साइन से ओपन करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस ठीक और कॉस की टर्म तो कैंसिल हो गई वी कॉस थर्टी आई कैप विकॉस थर्टी आई कैप कैंसिल हो गया सो so, यहाँ से क्या बच जाएगा जीरो पॉइंट थ्री और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ वी साइन ऑफ थर्टी ना साइन थर्टी कितना होता है वन बाय टू ठीक है ना वन बाय टू के इक्वल होता है सो so, टू से टू कैंसल सो दिस विल कम्स आउट जीरो पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई बाय नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वी दैट इज सिक्स मीटर पर सेकंड सो सिक्स थ्रीजा एटीन यानी कि कितना निकल के आ जाएगा वन पॉइंट एट इक्वल एंड बेसिकली ये जे के आप डायरेक्शन भी आ रही थी so, यहाँ पर जे के आप भी आएगा ठीक है ना क्योंकि डायरेक्शन भी हमें कैलकुलेट करनी है तो सिंपली यहाँ से हमें जो इम्पल्स है दैट इज वो कितना निकल के आ गया वन पॉइंट एट जे के ऐप और यूनिट क्या हो जाएंगी न्यूटन सेकंड की इक्वल तो so, देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इंपल्स से सो दिस इज द इक्वार्ड सॉल्यूशन आई होप यू अंडरस्टूड वेल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू